फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आज प्रोफेसर कॉलोनी लुधियाना के गुरुद्वारा माई बिशन कौर के प्रांगण में निःशुल्क हार्ट चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप की अध्यक्षता सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्यरत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता त्यागी ने की। इस दौरान उन्होंने हार्ट रोग से पीड़ित करीब 70 मरीजों का गहनता से चेकअप किया। इस अवसर पर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता त्यागी ने मरीजों को हृदय रोगों के लक्षण व इस गंभीर बीमारी से बचने के बारे में बहुमूल्य जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि भारत में दिल की बीमारियों से ग्रस्त महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए बड़ी तेजी से तीन तरीकों गलत डायग्नोसिस, महिलाओं के बीच बढ़ते जोखिम को लेकर जागरूकता की कमी और हार्ट अटैक के संकेतों को पहचानने की अक्षमता बड़ी वजह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हार्ट डिजीज महिलाओं में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। हाल ही हुए एक सर्वे के अनुसार भारत में 5 में से 3 शहरी महिलाएं हार्ट की किसी ना किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं। 35.44 आयु वर्ग की महिलाओं में 35 से 44 आयु वर्ग की महिलाओं में इसका खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इन रोगों का खतरा घरेलू महिलाओं को भी उतना ही है जितना कामकाजी महिलाओं को है। महिलाएं आमतौर पर परेशानियों और दर्द की अनदेखी करती हैं, जटिलताओं पर देर से प्रतिक्रिया देती है। यह उनमें हृदय रोगी को बढ़ने की प्रमुख वजह है। हमें उन्हें जीवन शैली में सुधार और हृदय रोगों से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करना होगा। यदि हृदय रोग से बचना है तो जंक फूड से परहेज करना होगा, कोलेस्ट्रॉल स्तर पर संतुलन रखना होगा। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। और हमारा मकसद ये है कि देखिए, समाज में एक कार्डियोलॉजिस्ट को लाने के लिए मेरा ये प्रयास रहता है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट एक बहुत बड़ा एक मेडिकल डिग्री है फाइनल, तो उसको मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं पहुँचते हैं वहाँ पर हम जाएँ, कैंप लगाएँ और अवेयरनेस दें, क्योंकि इनको पता नहीं होता है, बहुत लोग हैं, कि हार्ट की डिसीज़ के कैसे लक्षण हैं, कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, तो उसकी जागरूकता भी है और साथ साथ में एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के लिए भी हम यहाँ आए हैं। और मैं सभी अपने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पूरे देश में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, हिंदू रक्षा सेना, हिंदू के तमाम संगठनों को भी मैं देखता हूँ, और मेरा काम है समाज में हार्मनी बनाए रखना। तो उसके लिए हमारी जो टीम है, होम हेल्थ फाउंडेशन की टीम, आज यहाँ पहुँची है, कल से 2 दिन से पीछे काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को, और यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को, प्रधान जी को, और यहाँ सभी लुधियाना वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय। लेकिन नॉर्मली महिलाओं के लिए, महिलाओं का क्या है कि उनको हार्ट की डिजीज़ काफ़ी कॉमन होती है, क्योंकि सोसाइटी को और महिलाओं को कॉमनली पता नहीं है। सोसाइटी को और महिलाओं को कॉमनली लगता है कि महिलाओं की डेथ कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर से होती है, जबकि फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा आज भी डेथ के कारण महिलाओं में हार्ट डिजीज़ है। और उनको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, मोटापा हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, लैक ऑफ हेल्दी डाइट हो, ये सब चीज़ें उनकी हार्ट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो लेडीज़ को और उनके परिवार को उनकी हार्ट के हेल्थ को लेके उतना ही जागरूक रहना चाहिए जितना हम नॉर्मली सोसाइटी में जेंट्स के लोगों के लिए रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक सिटी एंजियोग्राफी नई टेक्निक आई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सिटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी नई टेक्निक नहीं है, ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है और हम इसको खुद हमारे मरीजों को एडवाइस करते हैं। जिस केस में हमको लगता है कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की पॉसिबिलिटी कम है, सिर्फ हमको रोल आउट करना है कि कैल्शियम स्कोर कितना है, और मरीज़ की सपोज यंग एज है, तो उस केस में भी हम पहले सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी करा के देख लेते हैं। इसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है तो हम मरीज़ को बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं कि आपका हार्ट की ट्री के डिजीज़ की संभावना बहुत कम है, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी बीमारी हमको दिखता है तो वो कन्फर्म करने के लिए हमको अपनी कन्वेंशनल कॉरोनरी एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, ये मरीजों को पता होना चाहिए। जो कॉरोनरी एंजियोग्राफी पहले होती थी जिसमें जो डालते थे तार वगैरह, इसका और उसका क्या फ़र्क है मैडम? इसका फ़र्क ये है, जो सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी है उसको वेन से डाई देते हैं और हार्ट की आर्टरीज दिखाई देती हैं, और जो हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट लोग जो एंजियोग्राफी करते हैं वो आर्टरीज से लेके जाते हैं, या तो हार्ट की आर्टरी हो या पैर की आर्टरी हो, उससे हम एक ट्यूब लेके जाते हैं, कैथेटर लेके जाते हैं हार्ट की आर्टरीज तक, वहाँ पर डाई डालते हैं और उनको हम एक्चुअल देखते हैं। तो अगर डायग्नोसिस के हिसाब से देखा जाए तो कॉरोनरी एंजियोग्राफी ही फाइनल टेस्ट है, उसके बगैर हमको कॉरोनरी आर्टरीज के बारे में 100% पता नहीं चलता है। जैसा मैंने पहले बताया कि सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे कंफर्म करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए हमको कॉरोनरी एंजियोग्राफी ही करनी पड़ती है। थैंक यू।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.